अनामयम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर शायद मरने से लगता है। मरने से डर नहीं लगता साहब, बूढ़े होने से लगता है। सही, क्योंकि आम तौर पर एक बूढ़े की कल्पना निराश, हताश, अस्वस्थ और मृत्यु का इंतजार करते मनुष्य के रूप में ही की जाती है। यह एक बहुत बड़ा मिथक है। दूसरा मिथक यह है कि योग अभ्यास सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो मन से हमेशा ही युवा रहते हैं, और मैंने बहुत से ऐसे भी युवा देखे हैं जो मन से इतने निराश व हताश हैं कि उन्हें देखकर बुजुर्ग भी शर्मा जाए। असल में योग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत युवा काल में ही होती है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा खेल कूद में ही मगन रहते हैं, और बुजुर्गों को योग इसलिए करना है क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य की ही चिंता होती है। लेकिन जब चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की बात आती है तो यह सब संभव युवा काल में ही हो सकता है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य ही युवा कहलाता है। और युवाओं के सामने तो अभी पूरा संसार है, उन्हें तो अभी यात्रा की शुरुआत ही करनी है और अपने सुकर्मों से पर्वतों के शिखर तक को लांघना है। पुराने समय में जब विद्या का अर्जन किया जाता था, चाहे वह किसी भी तरह की विद्या हो, चाहे अस्त्र शस्त्र की विद्या क्यों ना हो, योग और ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता था उस विद्या के अर्जन में, क्योंकि ध्यान और योग के द्वारा ही चिड़िया की आँख को भेदा जा सका था। उसी प्रकार आज के मनुष्य को भी योगाभ्यास के द्वारा उस चिड़िया की आँख को भेदना है और कठिनाइयों को पार करना है और अपनी उपलब्धियों का आनंद उठाना है। देखिए, मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन यदि ऐसे में मृत्यु ना आए और बुढ़ापा ता उम्र ना दिखे तो फिर क्या कहने। इसके लिए अष्टांग योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जिसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सब का अपने जीवन में उतारना जरूरी है। यदि आज भाग दौड़ के इस दौर में देखा जाए तो इस अष्टांग योग में से सिर्फ दो को ही अपने जीवन में उतार लेता है तो वह भी एक योगी ही कहलाएगा। योग के द्वारा उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, और बुढ़ापे के जो लक्षण हैं जैसे कि जकड़न, असंतुलन, जोड़ों का दर्द और खराब पोस्चर, इनको भी ठीक रखा जा सकता है। मैं कहता हूँ कि यू आर एज यंग एज योर गट इज एंड यू आर एज ओल्ड एज योर स्पाइन इज। इसलिए अपने गट को, स्पाइन को और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं वो कौन से योग अभ्यास है जिनके द्वारा हम हमेशा फिट और तंदुरुस्त रह सकते हैं और हमेशा जवान दिख सकते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करने के पश्चात हमें सूर्य नमस्कार के 12 राउंड्स अवश्य ही करने चाहिए। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, परशुराम प्राणायाम, प्राणिक बंध प्राणायाम और भ्रामरी का अभ्यास अवश्य ही करने चाहिए। ये सब प्राणायाम आप मेरी वीडियोज में देख सकते हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है।
अब सबसे जरूरी हो जाता है ध्यान, मेडिटेशन, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग तरीके में अलग अलग तरह से ध्यान सिखाया जाता है। आप किसी भी तरीके से ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए आप किसी भी रास्ते पर चलें, मंजिल सबकी एक ही है। इसलिए मायने यह नहीं रखता है कि आप ध्यान के कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि मायने यह रखता है कि आप पूर्ण जागरूकता, एकाग्रता और प्रतिबद्धता के साथ हर रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं। इन सब आसन, प्राणायाम, बंध और ध्यान का अभ्यास यदि आप करेंगे तो अवश्य ही उम्र आपके शरीर, आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देगी और जरा मरा के बंधनों से आप छूट जाएंगे। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, आरोग्यवान भवतु।